आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज का विषय वचन को केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। वचन देखेंगे हम नीति वचन 3:1। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों आज कल्पना भी नहीं कर सकते जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते तब हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आदम परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा इसलिए जगत में पाप आया। आदम ने परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी न रहकर परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष को खो दिया। दोस्तों जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते तब हम भी परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष को खो देते हैं और हर प्रकार के अधर्म से भर जाते हैं और शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं। इसलिए हमारे शरीर में तरह तरह के रोग आ जाते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों परमेश्वर एक पिता के समान हमें शिक्षा देते हैं अपने भक्तों के द्वारा प्रवचन के माध्यम से और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तब भी। परंतु जब हम उनकी शिक्षाओं का आदर नहीं करते और उन पर नहीं चलते तब हम विनाश के मार्ग का मार्ग चुनते हैं जो हमें अंधकार में खींच ले जाता है। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। दोस्तों परमेश्वर की शिक्षाओं का आदर कीजिए, उनके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहकर स्वर्ग का टिकट थामे रहें क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि आप उनके वचन पर चलें और उनकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहें और सच्चे भक्त बने। प्रभु आपको इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।